हेलो व्यूवान थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेंगलिस स्पाइसेस आई होप यू ऑल आर गुड एंड सुपॉप एंड नाउ यू ऑल आर वॉन्ग वेलकम इन द सेकंड पार्ट ऑफ कॉजिटिव वर्ब कॉजटिव वर्ब के फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने सीखा था कि व्हाट इज कॉजिटिव वर्ब एंड हाउ टू यूज़ कॉस्टिव वर्ब हम लोग ने सीखा था कि लाइक कॉजटिव वर्ब्स होते क्या उसका डेफिनेशन हम लोग ने कवर किया था प्लस कॉस्टिव वर्ब्स में मैंने तीन मेंशन किया था फर्स्ट पार्ट में एक है हमारा गेट सेकंड है हैव एंड थर्ड है मेक सो उसमें इन इन द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉजटिव वर्ब वीडियो इट्स टाइम टू लर्न द सेकेंड कॉजटिव वर्ब एंड द सेकेंड कॉजटिव वर्ब इज हैव नाउ वी आर इज गोइंग टू लर्न लाइक हैव जो कॉजिटिव वर्ब है उसका यूज़ देखेंगे थ्रू एग्जाम्पल्स के थ्रू कुछ पॉइंट्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं जो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे हैव हाँ से रिलेटेड क्योंकि फर्स्ट पार्ट में गेट ऑलरेडी हम लोग ने दे दिया है तो इट्स टाइम टू लर्न दैट यूज़ ऑफ हैव सो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हैव हाँ में हमें याद रखने वो पॉइंट्स ये है फर्स्ट पॉइंट कॉजटिव वर्ब हैप का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी गिव सम ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग फिर से रीड करते हैं कॉजटिव वर्ब का हैजटिव वर्ब हैप का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी गिव ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी टू डू समथिंग यार पहली बात तो ये समझो आप लोग कि जितने भी कॉजिटिव वर्ब्स होते हैं उनमें एक पॉइंट जो कि बहुत कॉमन पाई जाती है सब कॉजिव वर्ब्स के लिए वो ये है वो डेफिनेशन से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें जो डूवर है वो खुद वर्क ना करके अपना वर्क किसी थर्ड पर्सन से कराता है तो सेम कंडीशन तो सब कॉस्टिव वर्ब्स में अप्लाई होगा ना तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं लाइक like, हैब कॉस्टिव वर्ब्स हैब पढ़ रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट है कि कॉस्टिव वर्ब हैब का यूज हम तब करते हैं व्हेन वी गिव समवन ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग यहाँ पे जो वर्क है आप किसी थर्ड पर्सन से कराओगे एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लाइक like, आप ऑर्डर भी दे सकते हो ऑर्डर भी दे करवा सकते हो ठीक है आप जूनियर से भी करवाते हैं कभी कर कभी ऑर्डर देते हैं हाँ तो वहाँ पर आप अगर पैसे भी दे आप किसी थर्ड पर्सन से कोई वर्क करा रहे हो तो वहाँ पर भी हम कॉस्टिव वर्ब हैब का यूज़ करेंगे ये तो कॉमन है लाइक कॉस्टिव वर्ब्स जब भी हम पढ़ते हैं कॉमन है एक पॉइंट कि खुद वर्क ना करके किसी थर्ड पर्सन से वर्क कराते हैं द सेकेंड पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अकॉर्डिंग टू टेंस हैप का यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू टेंस हैप का यूज़ होगा मतलब कॉस्टिव वर्ब जो हमारा हैब है अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज भी होता रहेगा सपोज दैट अगर आप पास्ट की बात कर रहे हो तो हैब की जगह वो हैड भी हो जाएगा अगर आई एन जी फॉर्म में बात कर रहे हो तो हैविंग हो जाएगा विल हैब भी हो जाएगा तो अकॉर्डिंग टू टेंस ये हमारा क्या होता रहेगा चेंज होता रहेगा चलिए अब जल्दी से इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल्स के थ्रू कॉस्टिव वर्ब हैव का यूज हम देखते हैं आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम सो लेट्स गेट स्टार्टेड हैव चलिए सबसे पहले हैव का कोई स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरह से स्ट्रक्चर उसका रहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्क प्लस have प्लस पर्सन पर्सन की जगह आप डूर भी बोल सकते हो प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्क यहाँ पे एक पॉइंट नोट कीजिएगा अकॉर्डिंग टू हैव चेंज होगा ध्यान दीजिएगा क्योंकि मैंने अभी जस्ट पॉइंट में बताया अकॉर्डिंग टू टेंस वो चेंज होता रहेगा हेल्पिंग वर्क में मीन्स आप आ, किस टाइम की बात कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है चाहे पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो चाहे कुछ भी हो सो मूविंग हैट चलिए सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं फ्यूचर्स रिलेटेड लाइक विल से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेज क्रिएट करते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं लाइक like हैब जो हमारा पॉजिटिव वर्ब है इसका यूज हम देखते हैं तो विल से रिलेटेड जब आप बनाओगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह रहेगा लाइक सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पर्सन और डूअर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा अभी एग्जाम्पल जैसे हम लोग क्रिएट करेंगे और इजी हम लोग का टॉपिक हो जाएगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी कैन सी आई विल हैव जॉन रिपेयर द कार आई विल हैव जॉन रिपेयर द कार यहाँ पे आई हमारा क्या हो गया सब्जेक्ट हो गया विल हमारा हो गया उसके जस्ट बाद स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा है हमारा हैब है और उसके जस्ट पर्सन या डूअर मतलब किससे करवा दूंगा जॉन से जॉन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ रिपेयर द कार इसका मीनिंग है कि मैं जॉन से कार को रिपेयर करवा लूंगा मतलब मैं जॉन से ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर है जॉन के ऊपर मैं किससे करवा लूंगा किसी थर्ड पर्सन थर्ड पर्सन कौन है हमारा जॉन है तो मैं कार को जॉन से रिपेयर करवा लूंगा तो आई विल हैव जॉन रिपेयर द कार डन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं वेल से रिलेटेड आई विल हैव यंगर ब्रदर गिव यू मनी आई विल हैव यंगर ब्रदर गिव यू मनी मैं अपने छोटे भाई से आपको पैसे दिला दूंगा या दे दूंगा मैं अपने छोटे भाई से पैसे आपको दिला दूंगा तो ये पैसे देने का जो वर्क है जो ड्यूटी है मैं किससे करवा रहा हूँ अपने छोटे भाई से यंगर ब्रदर से सो आई विल हैव यंगर ब्रदर गिव यू

मैं चिंटू से पानी मंगवा लूंगा पानी मंगवाने का जो वर्क है आप किससे करवाओगे भाई चिंटू से करवाओगे वही सिंपल आई विल हैव चिंटू वर्क वर्फर्स ब्रिंग वाटर एंड 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 सम मोर एग्जाम्पल्स लाइक यू कैन क्रिएट योर सेल्फ और राइट चलिए पास्ट से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं पास्ट मीन्स मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि जब भी आप ये जो हैव कॉस्टिव वर्ब है अकॉर्डिंग टू टेंस ये चेंज भी होगा तो पास्ट की बात हो रही तो हैब का जगह क्या हो जाएगा हैड हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पर्सन पर्सन या फिर डूअर जिससे आप कराओ कराए ठीक है देन आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट अभी पास्ट का है तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान पहचान मीन्स एट द एंड ऑफ आवर सेंटेंस किस कैसे साउंड आएगा या ही ये या फिर चुका था चुकी थे एंड चुके थे ठीक तो है तो फॉर एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं इसका क्या होगा सो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव ही हैड शिवम रीड द न्यूज़ पेपर ही हैट शिवम रीड द न्यूज़ पेपर उसने शिवम से न्यूज़ पेपर पढ़वाया अभी जो पढ़वाने का काम है न्यूज़ पेपर किससे करवाया शिवम से ही हैट शिवम रीड द न्यूज़ पेपर सेकेंड एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो सी आई हैड सूरज राइड द बाइक आई हैड सूरज राइड द बाइक कुछ चेंज नहीं हुआ है यहाँ पे बस क्या हुआ है? हैप के जगह क्या हो गया हैड क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो इसका क्या हो जाएगा आई हैड सूरज राइड द बाइक तो मैंने सूरज से बाइक चलवाई किससे चलवाई सूरज से ये जो बाइक चलवाने का वर्क है किससे करवाया सूरज से तो सूर, सूरज क्या हो गया ड्यूअर हो गया सो आई हैड सूरज राइड द बाइक नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ कॉस्टिव वर्ब वी हैव फिनिश्ड नाउ So just wait for the third part of causative verb, and soon you will be notified. Don't worry. So it's time to share some tasks. So uh, uh, it's a request to all of you. Just share at least five to ten sentences in our comment box by using the causative verb have. And thank you so much. Till then, bye bye. Take care.